सुजैन साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर इतने दिनों से कहाँ थे, कोई वीडियोस या फिर लाइव सेशंस नहीं आ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, लाइव सेशन सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड वालों के लिए है। वो लर्निंग सेशन, लाइव सेशन चला सकते हैं। हम जैसे जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो लाइव सेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, एनालिसिस वीडियो प्रॉपर तरीके से आप सभी को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए मैं भी दिवाली मना रहा था और आप सभी भी दिवाली मना के वापस आ रहे होंगे। तो चूंकि यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, इसलिए मेरे नाम से अगर आप सभी के पास कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसे अवॉइड कीजिएगा। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उन फेक चैनल्स को अवॉइड कीजिएगा। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है आप सभी के सामने। कुछ लेवल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि मैंने लाइव मार्केट में आज लगाए हुए थे। देखिए, यहाँ पे लेवल्स हिट तो हुए लेकिन ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में लॉसेस भी हुए हैं, स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास आके रुकी है। आपने कॉल होल्ड करके रखा हुआ है या फिर पुट होल्ड करके रखा हुआ है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ होल्ड तो जरूर किया होगा। क्योंकि मार्केट में आज मोमेंटम केवल एक या दो बार आया, और हमने यहाँ पे एक लर्निंग ग्रुप में मैंने पोस्ट करे हुए थे, यहाँ पे एक चैनल टाइप में बनाया हुआ था, तो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कर गया था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे गिरावट करी है और एकदम से बूम करी है। तो जितने भी लॉसेस से यहाँ पे कवर करने का एक बार मौका दी है बैंक निफ्टी, आप नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। खैर, अगर लर्निंग आपके पास है तो अर्निंग होती रहेगी, इसलिए लर्निंग पे फोकस करना सीखो, ट्रेड तो हम बाद में करते ही रहेंगे। तो चलिए, मार्केट का अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि काफी देर से इस लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। सबसे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे हैं। जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादातर यूज करता हूँ, इसलिए इस टाइम फ्रेम को करता हूँ मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ के सारे लेवल करता हूँ रिमूव, ताकि जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी समझ में आए। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी के साथ कनेक्ट रहता हूँ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मैंने आपको बताया कि किसी चीज का कोई पैसा नहीं लिया जाता। देखिए, यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा था, बट अगर ब्रेकआउट हो गया रेजिस्टेंस तो वो सपोर्ट हो जाएगा, और मार्केट अगर इसके ऊपर चल रही है तो सपोर्ट लेवल के है। जो भी लेवल है देखिए 43,680 के आसपास में, तो ये एक सपोर्टिंग लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा अगर राउंड फिगर करते हैं तो 660 के आसपास में ले आते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाली कैंडल के लो पे हम इसको पुट करते हैं 660। अब ये एक लेवल हो जाता है, मार्केट अगर इसके ऊपर रहती है तो हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करें तो मेरी नजर में जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन केस अगर 660 के आसपास में मार्केट दिखती है तो सिंपल सी चीज है, सपोर्ट के आसपास हम बाइंग करते हैं और टारगेट लेते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, या फिर हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर नहीं पता है उसकी वीडियो ला दूंगा, कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए वो सारी वीडियोस लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर वीडियो समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं एज अ सजेशंस। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं, आप सभी के सजेशंस का सम्मान करता हूं, तो इसलिए अपना कमेंट डालना मत भूलिएगा। मैं खुद आप सभी के कमेंट देखता हूं और अगर वैलिड होता है तो मैं उसे रिप्लाई करता हूं। ये 100 पॉइंट्स की रेंज हमने ली है, और 100 पॉइंट्स की रेंज कौन सी है ये आप नोट कर सकते हैं या फिर अपने चार्ट पे ड्रा कर सकते हैं फॉर पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने बताया कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। 43,660 से लेकर के 43,760 के आसपास की ये रेंज मुझे दिखाई दे रही है। इस रेंज में कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो है अगर ओपन करती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अच्छा, कहाँ तक वेट करना चाहिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम फिर से लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके हम हाई के आसपास में लगाते हैं कि ये लेवल, इसको करते हैं ग्रीन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट तो जरूरी है, आज का जो डे लो है उसके आसपास, यानी कि 580 के आसपास ही नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ 600 के आसपास, ठीक है, ये एक रेंज हो जाती है। मार्केट अगर 600 के लेवल को ब्रेक डाउन देती है नीचे की साइड में, यहाँ पे आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, इन केस मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, इस 50-60 पॉइंट में हमें एनटीजेड मिलेगा, क्योंकि इस 50-60 पॉइंट में मुझे कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती। ये लेवल है 43,600 का,
तो हमें डाउन साइड के कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्रमशः 43,500 यानी कि 100 पॉइंट्स, इसके नीचे 43,350 यानी कि 150 पॉइंट, और अगर इसके नीचे जाती है तो 43,000 के आसपास तक का लेवल मुझे दिखाई दे सकता है। अगर बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। 43,500 के नीचे मुझे 43,350 का सपोर्ट देखने मिलेगा, देन उसके बाद में 43,000 के ये लेवल देखने मिल सकते हैं अगर गिरावट आती है तो। अदरवाइज मेरा जो मानना है 43,600 के ऊपर ही रहेगी, और हो सकता है कि अगर गैप अप ओपनिंग कराती है तो 43,760 के आसपास ओपनिंग करा सकती है। कॉल में जो होल्ड किए हैं अगर इसके आसपास में आपको दिखता है 43,800 के आसपास में, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो सही रहेगा। इसके ऊपर जब फिर से जाती है तो फ्रेश एंट्री कॉल साइड वालों के लिए बनती मुझे दिख रही है, ठीक है, बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर 43,800 के ऊपर हम जाते हैं तो मुझे कौन से टारगेट देखने मिल सकते हैं, वो चीज आप सभी लोग अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई बार आप सभी को बताया साइकोलॉजिकल लेवल और एक न्यूमेरिकल लेवल जो होता है 44,000 का, यानी 200 की रेंज यहाँ ऊपर की साइड में आपको 43,800 के बाद देखने को मिलेगी, और ये मुझे लगता है 80% चांसेस कल मार्केट अगर इसके ऊपर ओपनिंग कराती है और के नीचे सस्टेन करके ब्रेकआउट देती है तो 44,000 के आसपास तक मार्केट विजिट कर सकती है। अगर यहाँ तक नहीं गई तो 44,950 या 60 के आसपास ट्रेड जरूर करेगी, मेरा मानना है, ठीक है। 44,000 के लेवल के अगर ऊपर जाती है तो सिंपल सी चीज़ है, रेंज चेंज होगी और 44,000 से लेकर के 44,500 के आसपास की रेंज में मार्केट ट्रेड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कल एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे के दिन हम जो है आप सभी को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। कॉल टिप देता नहीं हूँ, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करता हूँ, अगर वो आप सभी को ज्ञान की बातें समझ में आती हैं या फिर समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस पाने के लिए, लर्निंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।